मेरा शहजादा मटर को भी पप्पियाँ दे रहे आप मटर को किटी दे लेते, मुझे भी दे दे किटी। हाँ लेट, आप कहाँ गूद ले हैं? किटी देने आए थे मम्मा को, इसलिए हमसे चाहिए थी किटी। मुझे बोले डोलो छोल से आ लिया किटी, दे रहा है कोई? बैम्बू बैम्बू बैम्बू, वेयर इज बैम्बू? ओ इट्स बैम्बू, राइट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, खैर वाफियत से होंगे और खुश होंगे। अपने अपने घरों में अल्लाह पाक सबको आबाद रखे, खैर वाफियत से रखे। तो मैं हूँ आपकी दोस्त अफशां और लेकर आई हूँ एक नया व्लॉग। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कहिए कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है ज़िंदगानी में, क्या मसरूफियात हैं आप लोगों की? कराची में तो भाई अभी तक जो है विंटर ने डेरा नहीं डाला है, बस हल्की फुल्की सी ठंडी सी हवाएं चल रही, रात में थोड़ी हल्की सी ठंडक उनकी कह सकते हैं वो हो जाती है, और दिन में शदीद वाली धूप है, शदीद वाली गर्मी है कि स्वेटर पहनना क्या, शॉल पहनना क्या, क्या ब्लैंकेट ओढ़ना, कुछ भी ऐसा नहीं है, फ़ैन फुल टू शॉन है। हाँ बस ये है कि एसी ऑन होना बंद हो गया है एक दो चार रोज़ से, चार पांच रोज़ से कह सकते हैं कि एसी ऑन नहीं हो रहा और हम जो है सिंपल फ़ैन में ही सो रहे हैं। बस इतनी ही ठंडक आई है कराची में, होपफुली के कराची में भी ठंड आ जाए। हम लोग तो मुंतज़िर ही रहते हैं कि हमें भी कभी स्वेटर शॉल वगैरह पहनने का, गर्म कपड़े वेयर करने का मौका मिले। सो जनाब अभी तक कराची में नहीं आए, आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं ज़रूर अपडेट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपके सिटी का वेदर क्या है, सर्दियाँ आई हैं नहीं आई हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके सिटी की क्या कंडीशन है। तो मेरे घर आ गए हैं जनाब कुछ मुस्तकिल बेसिस पे नए मेहमान, तो नए मेहमानों को हम करते हैं वेलकम और उनको वो भी बोलते हैं वेलकम टू माय फैमिली, क्योंकि वो हमारी फैमिली का मुस्तकिल हिस्सा रहेंगे। तो आज मैं आपसे मिलवाती हूँ अपने नए फैमिली मेंबर से, तो देखते हैं वो मेरे नए फैमिली मेंबर कौन है। सो चलते हैं और देखते हैं, मिलते हैं, मिलवाती हूँ आपको अपने नए फैमिली मेंबर से। सो मुझे मिलते हैं, छापा मारते हैं हम लोग। तो आप भी सोच रहे होंगे ये नया फैमिली मेंबर कौन है और अचानक से आमद कहाँ से हो गई, तो इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं आपको अपनी नई फैमिली के नए मेंबर से। सो आजे मिलते हैं। इनको पता चल जाता है कि मम्मा वीडियो बना रही हैं, शोर नहीं करना है, हैं भाई? अभी इतना शोर मचा रहे थे, अभी क्या हो गया? इनको पता चला मम्मा आ गई है कैमरा लेके, डर जाते हैं तो शोर मचाते हैं। चलो आवाज़ सुनाओ अपनी, क्यूट क्यूट सी, क्यूट क्यूट सी आवाज़ सुनो। इनको पता है मम्मा बोलती हैं वीडियो जब शूट करूं तो शोर नहीं करना है, तो इसलिए खामोश बैठे हुए मेरे ये बच्चे भी है भाई। हाँ पाली पाली आवाज निकाल लें जी, नोटी है, बहुत ज़्यादा नोटी है, नोटी नोटी। देखो ज़रा आपने पेयर बना के बैठ गए। तो हो गई है शाम और मैं बना रही हूँ बनाना शेक। ये देखें ऐसा भी होता है, शाम टाइम ओवरलोडेड हो जाता है और आपको आइडिया नहीं होता, तो यही हुआ था मेरे साथ भी। हाँ मैं बना रही हूँ बनाना शेक अपने लिए, बच्चों के लिए। शाम का टाइम हो रहा है क्योंकि लंच हम लोग स्किप करते हैं, तो इस टाइम बच्चों को भी भूख लग जाती है, तो मैंने सोचा ये हेल्दी ऑप्शन है, तो बच्चों को बनाना शेक देते, इस तरह से मिल्क भी उनके लिए कैल्शियम का सोर्स हो जाएगा और बनाना तो है ही फुल ऑफ फाइबर। सो मैंने यहाँ पर बना लिया है बच्चों के लिए बनाना शेक। क्या कर रहे हैं जरा आप? मेरी हेल्प कर रहे हो, थैंक यू मेरी जान। हेल्प में क्या काम करवा रहे हैं आप मेरे साथ? मतलब तो
मटर क्या कर रहे हैं? मटर छील रहे हैं। दिखाएं तो ज़रा। ओ वाह, इतने सारे मटर छील के रख दिए आपने। इतना पाला बेबी है मेरा। मम्मा की हर कल आता है दान ओलिए है, चुप हो जाते हैं। तो मैं यहाँ बैठी हूँ मटर छीलने के लिए और इज़रम मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं। इज़रम जो है माशाल्लाह 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 मेरा जो है बेटा प्लस बेटी है ना। मैं फ्रिज में से कोई चीज़ मंगवाती हूँ, लहसुन ला दें, प्याज ला दें, लहसुन अदरक का पेस्ट ला दें, मेरा बेटा ला के देता है मुझे। टमाटर ला दें, हरा धनिया ला दें, निकाल निकाल के मुझे हेल्प करके देता है। बट कभी स्टबन हो जाते हैं तो फिर नहीं नहीं, वैसे काम माशाल्लाह मेरा इज़्ज़म बहुत अच्छे से करता है। और आप अभी देख सकते हैं मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है पीलिंग कर रहे हैं मटर की। तो और ये आरिश भी उनको देखकर आ गए हैं। आरिश ने कल थोड़ी सी हेल्प करवाई थी मगर आज पता नहीं मूड अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है। तो आरिश का दिल नहीं चाह रहा किसी काम को। आरिश को मैंने बोला थोड़ी सी डस्टिंग कर ले, तो आज आरिश का मूड नहीं बन रहा। 10 सेकंड में आरिश की पूरी एक ड्राइंग रूम की डस्टिंग हो गई। मासी उसे भी तेज़ तरार काम किया हमने तो। आरिश इतना तेज़ तो मासी भी नहीं करती जितनी तेज़ी में आपने 10 सेकंड में जो है किचन की डस्टिंग ख़त्म। ये देखें इज़्ज़त निकाल निकाल के जो है ना इसमें रख रहे हैं, इसी में पील हो रहे हैं मटर और इसी में जो है रख भी रहे हैं। तबीयत कैसी है आपकी मेरी जान? अल्लाह का शुक्र है। बोले अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपना होमवर्क डन कर लिया? होमवर्क डन कर लिया इज़्ज़त? यस, गुड गुड। अच्छा वो आपकी प्रेजेंटेशन जो थी वो आपको याद है? मेरा नाम, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हाँ अभी इज़्ज़त सुनाएंगे। इज़्ज़त फिर से मेरा नाम इज़्ज़त हैदर है। मेरा नाम इज़्ज़त हैदर है, मैं नर्सरी जमात में पढ़ता हूँ। नहीं नहीं, मेरा शहजादा मटर को भी पप्पियाँ दे रहे हैं। आप मटर को किटी दे ले दे, मुझे भी दे दे किटी। हाँ लेट, आप कहाँ गूद ले हैं? किटी देने आए थे मम्मा को। इजलम से चाहिए थी किटी मुझे, बोले डोलो छोल से आ लिया किटी। दे रहा है कोई बैम्बू? बैम्बू बैम्बू, वेयर इज बैम्बू? ओ इट्स बैम्बू, राइट। ओ रात हो गई है जनाब और ये मैं आउटडोर हूँ क्योंकि गैस की हो गई है लोड शेडिंग। तो बच्चों को कुछ खाना था तो हमने सोचा कि चाय पराठे से बेटर ऑप्शन क्या होता है, तो अपनी बहनों के साथ और बच्चों के साथ मैं आ गई चाय पराठा एंजॉय करने। चिकन चीज़ी पराठा। गुलदान, गुलदान ड्रॉ करें। खंबा, खंबा, गुलदान ड्रॉ करें। तो इन्होंने क्या किया कि डॉट 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 डॉट, किसी ने लाइन डाली, किसी ने कुछ किया, इन्होंने डॉट 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 डॉट्स डाले बहुत सारे। टीचर ने कहा इज़्ज़त ये आपने क्या किया? तो कह रहा वॉस टूट गया है, ये उसके पीछे जाए, ये उसके पीछे जाए। तो यहाँ हम लोग खाने बैठ गए थे चीज़ी पराठा और बच्चों को जो है कुछ और खाना था। तो इज़्ज़त के लिए हमने मंगवाए थे फ्रेंच फ्राइज क्योंकि उनको इसके अलावा और कुछ खाना नहीं होता है बाहर जाके। चीज़ी पराठा उनको समझ में नहीं आया था कि ये देखिए मलाई वाली चाय क्या लशपश चाय थी कि मैं बता नहीं सकती, मेरा दिल चाह रहा अगेन पीने का। सो हमने चाय मंगवाई और चीज़ी पराठा मंगवाया और बच्चों को कुछ और खाना था। तो हमने बच्चों के लिए जो है ऑर्डर कर दिया था इज़्ज़त के लिए फ्रेंच फ्राइज और इज़ और आरिश के लिए हमने मंगवाए थे बिरयानी क्योंकि बिरयानी बहुत पसंद है। तो हमने सोचा कि हम ज़्यादा मंगवा लेते हैं
कि अगर किसी का खाने का दिल चाहे तो हम भी इसमें से बाइट ले सकते हैं। तो बहरहाल हमने दो बिरयानी ऑर्डर कर दी और हमने खाना इंजॉय किया और मज़े किए बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, दीजिएगा अपना प्यार, चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। रखिए अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिए और अपना रखिए ख्याल। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।